पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष कर्नल बीसी लगवाल के चालक रमेश चंद जैसे ही सुबह अपनी गाड़ी कार्यालय के अंदर लगाने लगे तो नदौन से हमीरपुर की ओर आ रही टैक्सी चालक ने अपनी टैक्सी HP01H1058 के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान टैक्सी चालक ने वीसी लगवाल के चालक के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जब साथ में अन्य 3 से 4 टैक्सी चालकों ने भी उनके ऊपर हमला बोल दिया। लगवाल के चालक ने अपना बचाव करने के बाद दफ्तर में बताया, तब तक टैक्सी चालक वहां से भाग निकला। कर्नल वीसी लगवाल के चालक रमेश चंद ने बताया कि जब वह गाड़ी को मोड़ने के लिए पीछे आए तो किसी दूसरे टैक्सी चालक ने उनके साथ टैक्सी को खड़ा कर दिया और जब उन्होंने टैक्सी हटाने को कहा तो टैक्सी वाले ने इकट्ठा होकर उन पर चाकू से प्रहार करने शुरू कर दिए और उन्हें लहूलुहान कर दिया। साहब को लेके आया, यहाँ मैंने जैसे साहब को उतारा, उतारने के बाद मैंने दोनों तरफ देखा गाड़ी टर्न करनी, गाड़ी सामने पार ले गया थी। जैसे मैं गाड़ी पीछे लाने लगा तो वहां से टैक्सी नंबर थी मैंने HP01102 दूसरे ने बताया, मेरे दूसरे साथ में मिला के लगा दी। मैंने उसको बोला भैया का टैक्सी थोड़ा पीछे ले दो आप। उसने बोला रोड पे क्यों लाया, तो क्यों मोड़ रहा है इधर गाड़ी। मैंने बोला यहाँ जगह नहीं थी मोड़ नहीं, ऐसे आपसे मैं तू हो गई। तो नीचे उतर आया, उसने गले से पकड़ लिया। फिर उसके बाद एक दो गाड़ियां और थी और 2-3 वो भी उसके टैक्सी ड्राइवर थे, वो भी आकर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं अकेला था। फिर मैं जैसे इस तरफ को ऐसे मुड़ा, उसने पीछे से मेरे को यहाँ चाकू मारना शुरू, दूसरे लड़के ने बोला तेरे को चाकू मारना है, और मैं जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा और ऐसे मैंने बाजू करके वो चाकू रोक लिया और मेरे को यहाँ लगा था। और उसके बाद 2-3 बार बाद उसने फिर ट्राई मारी चाकू मार दी। फिर मैं आके यहाँ अपने दफ्तर में बताया, तब तक मेरे को भाग चुके थे। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में मैंने FIR लॉन्च कराई, एप्लीकेशन दी, फिर MLC कराई, क्या बोलते हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए और ये बात सुबह 10:20 की है जी, जैसे मैंने CMD साहब बताया। और मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये तो बंदे टैक्सी वाले ये कोई भी है, किसी को मार सकते हैं, और मैं अगर रोकता नहीं है तो मेरे को जान से मार दे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, भी ये चीज़ होनी नहीं चाहिए यहाँ।